होटल के नीचे खड़ा है, सो गया है, अबे सोने के लिए आया है क्या मुंबई। So, दोस्तों जो लोग बोल रहे थे राजवीर फिटनेस और एजाज खान के बीच जो फाइट हुई थी उसमें राजवीर फिटनेस डर गए थे और एजाज खान होटल के नीचे सुबह तक खड़े थे और राजवीर वहां आए नहीं। सोचे चीज के ऊपर आज राजवीर भाई जब कटारिया के मीटअप के लिए निकल रहे थे उस टाइम उन्होंने बहुत कुछ बातें कही है एजाज खान को, सारी बातें डिटेल्स में एक्सप्लेन करी है कि वहां पे क्या हुआ था क्या नहीं। आपने एक तरफ का पक्ष तो सुना था जो मैंने आपको बताया था, सो आपको दूसरा तरफ का भी पक्ष सुन लेना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखो उन्होंने क्या कुछ कहा है। और अगर हम वहां से निकल भी गए तो तू वहां खड़ा हो क्या भाई, मैं यही खड़ा हूँ, वापस आओ। हम वहां खड़े हैं पहुंचे, ये वहां है ही नहीं। अभी हम सुबह वहां से निकले, जब भी हमें तो कोई ना दिखा भाई, नीले देख रहे हैं कि यहाँ खड़ा हूँ, नींद आ रही है, मैं चला जाऊंगा, वो चला जाऊंगा, भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल हमारे राणा जी की तारीख है कोर्ट में, आज हमारा कटारिया का मीटअप है, 3-4 दिन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो जानी है, ये खत्म हो तो दोबारा मुंबई आ लेंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर इसका आ गया, इस बार कोई वीडियो नहीं, सीधे फोन करके भाई आ गया, लोकेशन ले, वन वर्सेस वन कर बात खत्म, ठीक है। सो दोस्तों अब आपके हाथ में है, दोनों चीजें आप लोगों के आंखों के सामने है। अब आप क्या कहते हो, इन दोनों में से कौन ज्यादा बहादुर था और कौन डरपोक था, कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन जय हिंद मातरम, गुड बाय।